नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने एक अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने ये एक HP का लैपटॉप लेकर आया हूं जो कि न्यू ब्रांड HP का लैपटॉप आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस लैपटॉप को मैंने ऑनलाइन बाय करा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, साथ ही इसके रिव्यू करके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी HP का लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज जो लैपटॉप मैं आपके लिए ले आया हूं वह AMD Ryzen पर बेस्ड है। ये आपको जो इसके अंदर आपको 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी दोस्तों, और विंडोज 10 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 15.6 इंच का ये LCD लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। 4GB की DDR RAM आपको देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये टेप लगी हुई है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमारी जो ये टेप है, इस टेप को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ से ये अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने हमारा जो ये लैपटॉप है ये यहाँ से इसको कटिंग करके ओपन कर लिया है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों अब हमारा जो लैपटॉप है वह हमारे सामने आएगा। इसको कुछ इस टाइप से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये लैपटॉप हमने हमारा निकाल लिया है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यह आपको इसका चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है, बाकी इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए इस बॉक्स को एक तरफ रख देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चार्जर की। इसके अंदर आपको जो ये चार्जर देखने को मिलता है, ये ड्यूअल आपको देखने को मिलेगा, एक एडाप्टर एक चार्जर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये चार्जर जो आपको देखने को मिलता है 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर इस एडाप्टर के अंदर आप इसको इस टाइप से अटैच करें और उसके बाद में इसका यूज कर पाएंगे। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक यूजर मैनुअल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि HP की यूजर मैनुअल है, जिसको आप चार्जिंग को कनेक्ट करने में नॉर्मल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करी जाए इस लैपटॉप की, तो चलिए इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों टाइप से ये पैक रैप में आपको देखने को मिलता है जो कि काफी शानदार पैकिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। इन दोनों को एक तरफ रख देते हैं और जो लैपटॉप हमारे सामने आता है वह कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पर आएगा। दोस्तों इस लैपटॉप को ओपन करने के साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब आप इस लैपटॉप को ओपन करेंगे तो कीबोर्ड पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। इसको एक तरफ रख देते हैं और ये लैपटॉप कुछ इस टाइप से हमारे सामने यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इस लैपटॉप की बात करी जाए तो ये आपको Ryzen 3 पर बेस्ड है। इसके अंदर आपको Ryzen का ग्राफिक्स देखने को मिलता है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको देखने को मिलता है। होम एंड स्टूडेंट के लिए काफी शानदार लैपटॉप आपको ये नजर आएगा। दोस्तों बात करी जाए इसकी थिकनेस की, जो काफी कम काफी लाइट वेट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही अगर इसकी बात करी जाए तो आपको काफी लाइट वेट ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कीबोर्ड की। इसके अंदर आपको जो ही कीबोर्ड देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर ये कीबोर्ड देखने को मिलेगा जो कि काफी शानदार काफी जखास आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इसके जो Ryzen है उसका वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर Ryzen की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको ब्रांडिंग से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये इसका ट्रैक पैड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप का ट्रैक पैड आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिशियली लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बात करी जाए दोस्तों इस लैपटॉप की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको जो साउंड देखने को मिलते हैं वो इस जगह से आपको साउंड्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी जक्कास आपको यहाँ पर साउंड्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार आपको साउंड्स इस जगह पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इस लैपटॉप को ज़रूर लेना चाहिए। काफ़ी शानदार लैपटॉप आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों इस लैपटॉप की बात करी जाए तो यहाँ पर हमें जो पीछे की तरफ इसकी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको जो बैकएंड एरियाज देखने को मिलता है वो देखिए यहाँ पर इसकी थिकनेस कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और उसके बैकएंड एरियाज की बात करी जाए तो वह कुछ इस टाइप से आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कूलिंग के लिए सिस्टम दे रखा है। यहाँ पर आपको कूलिंग या लैपटॉप ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी।
साथ ही विंडोज़ जो 10 है उसका सपोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको ये लैपटॉप देखने को मिलता है दोस्तों। और बात करी जाए इसके पोर्ट्स की, इसके अंदर आपको जो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं दो ड्यूअल पोर्ट्स आपको यहाँ पर USB के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये आपको चार्जिंग स्लॉट, चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर डेडिकेटेड जो SD कार्ड होता है बड़ा वाला, वह सॉकेट लगाने के काम आएगा ये। तो माइक्रो SD कार्ड का डायरेक्टली सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज्यादा बढ़िया है। और बात करी जाए इसकी दूसरी तरफ की, तो इसके अंदर जो दूसरी साइड की तरफ आपको देखने को मिलते हैं यहां पर इस लैपटॉप के अंदर दूसरी तरफ, ये आपको एक 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, जहां से आप सॉन्ग सुनने में काम ले सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको एक स्लॉट देखने को मिल जाता है सी पोर्ट फैसिलिटीज का, तो वह आप यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको जो डायरेक्टली वह स्लॉट देखने को मिल जाता है, अगर आप इथर केबल लगाना चाहते हैं, इथरनेट का यूज करना चाहते हैं, तो वह लगा सकते हैं। HDMI का सपोर्ट्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसकी जो थिकनेस है वह काफी जकास, काफी शानदार आपको यहां पर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इसको, काफी शानदार लग रही है। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ये लैपटॉप जरूर लेना चाहिए, काफी शानदार लैपटॉप है। और वेट की बात करी जाए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उस स्थिति में इसका वेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का वेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी जकास लैपटॉप आपको ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। चलिए दोस्तों इस लैपटॉप को अब हम चालू कर लेते हैं। तो यहां पर इस बटन को प्रेस करके अब हम इस लैपटॉप को चालू कर लेते हैं। यहां पर जो लैपटॉप हमें देखने को मिलता है, काफी शानदार बिल्ड क्वालिटी में लैपटॉप हमें देखने को मिल रहा है, और HP की ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। काफी लाइट वेट लैपटॉप है, बहुत ज्यादा लाइट वेट लैपटॉप आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और स्टूडेंट के लिए यह लैपटॉप काफी शानदार और काफी बढ़िया है, क्योंकि स्टूडेंट अगर कहीं घूमने जाते हैं या फिर टीचिंग करते हैं, तो उस स्थिति में यह लैपटॉप आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीचिंग करने के लिए आपको लैपटॉप अपने कॉलेज में भी ले जाना पड़ता है, काफी जगह आप जाते हैं तो वहां पर आपको लैपटॉप लेकर जाना रहता है, तो उस स्थिति में यह लैपटॉप आपके लिए काफी शानदार, काफी झकास रहेगा। लेकिन ये AMD Ryzen पर बेस्ड है। अगर आप दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं या सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, उस स्थिति में इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, आपको इंटेल के अंदर i7 या i9 पर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका नॉर्मल कंप्यूटर का काम है, नॉर्मल वर्क है, तो उस स्थिति में काफी शानदार है। आजकल क्या है कि घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, उस स्थिति में यह लैपटॉप आपके लिए काफी शानदार और काफी झक्कास है। अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं, उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अब फीचर्स की बात करी जाए, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल गया है कि 1 TB की SSD आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है। तो दोस्तों 1 TB की हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही 4 GB की DDR4 RAM आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि काफी शानदार, काफी बढ़िया है। और ऑफिशियली आपको विंडोज 10 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो बहुत ज्यादा बढ़िया है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का आपको काफी ज्यादा काम है, तो उस स्थिति में यहां पर आपको जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार और काफी बढ़िया है। अब वैसे दोस्तों यूज करने की बात करी जाए तो लैपटॉप काफी झकास और काफी शानदार है, और इसके अंदर यहां पर जो आपको साउंड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, साउंड काफी झकास और काफी शानदार है। कीबोर्ड की बात करी जाए दोस्तों, जिसका जो कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है वह बहुत बढ़िया आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसकी डिस्प्ले की बात करी जाए तो ये आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, यानी 15.6 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफी शानदार है। और साइड कॉर्नर से बेजललेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, ज्यादा आपको कुछ यहां पर बेजल्स नहीं दिखेंगे। और दोस्तों बात करी जाए इस डिस्प्ले की, यहां पर आपको फ्रंट कैमरा भी सेल्फी के लिए देखने को मिल जाता है। वैसे इस कैमरे से सेल्फी तो नहीं ली जाती है, वेबकैम के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं या कहीं पर भी जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप इस चीज का यूज में ले सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिस्टम्स की, इसके अंदर आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं वह नॉर्मल रहेंगे, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको यूज में लेना है वह सॉफ्टवेयर अपने यूज के हिसाब से इसके अंदर लेने रहेंगे। आपके लिए अगर आपके जो जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं उन कोचिंग्स का कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा तो वह सॉफ्टवेयर आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा, या फिर आप घर के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें वह वाले सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करने होंगे। अगर आप इसके जरिए गाने वाने सुनना चाहते हैं, नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं। अगर आप टेली अकाउंट
कटिंग करना चाहते हैं तो वह भी आप इसके जरिए कर पाएंगे। तो काफी जक्कास ओवरऑल देखा जाए तो लैपटॉप काफी शानदार काफी बढ़िया है। अगर आपको दोस्तों ये लैपटॉप लेना है तो नीचे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं। दोस्तों डिस्प्ले भी काफ़ी झकास और काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इस लैपटॉप के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वे बहुत बढ़िया हैं। अगर आपको लैपटॉप लेना है, इच्छा आपकी रहेगी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये लैपटॉप का नेम आप सभी को थंबनेल पर दिख गया होगा, वहाँ से आप आए हो तो लैपटॉप ले सकते हैं। AMD Ryzen 3 पर बेस्ड है दोस्तों। तो ये लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मेरी इच्छा की बात करी जाए तो फिलहाल अगर आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस लैपटॉप को जरूर बाय करना चाहिए। यह लैपटॉप आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। लैपटॉप काफी शानदार और काफी झकास है, आपको ले तो जरूर लें। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।